बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को रिहा किए जाने पर अंतरराष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जताते हुए निंदा की है। यूएससीआईआरएफ के कमिश्नर स्टीफन स्नैक और उपाध्याय अब्राहम कपूर ने सोशल मीडिया साइट पर ट्विटर पर दोषियों को रिहा किए जाने के गुजरात सरकार के इस फैसले को बिल्कुल गलत बताया है। स्टीफन स्नैक ने ट्वीट में लिखा, 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का एक मजाक है। ये मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं संस्था के उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने कहा है, 2002 के गुजरात दंगों में एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार करने और मुसलमानों की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा भोग रहे 11 लोगों की जल्दी और अनुचित रिहाई की USCIRF कड़ी निंदा करता है। अमेरिका ने 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के जरिए USCIRF का गठन किया था। इसके कमिश्नरों की नियुक्ति वहां के राष्ट्रपति करते हैं। इस संस्था का मुख्य काम पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के तथ्यों और हालात की पड़ताल करना और इस मामले पर सरकार को नीति बनाने की सिफारिश करना है। गुजरात दंगों के दौरान राज्य में रंधिकपुर में 3 मार्च 2002 को बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, साथ ही उनके परिवार के 14 सदस्यों को मार दिया। बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी भी इनमें शामिल थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और तब 2008 में बॉम्बे की एक सत्र अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इस हफ्ते 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने गोधरा जेल में सजा काट रहे इन 11 कैदियों को अपनी सजा माफी नीति के तहत रिहा कर दिया था। इसके बाद देश से लेकर विदेश तक लोग सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिल्किस बानो के इन आरोपियों को छोड़ना कहां तक सही था या फिर कितना गलत था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।